इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अपने टॉप चार टीमें बता दी हैं वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने विजेता का भी नाम घोषित कर दिया है। क्या क्या वो टीमें हैं, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन पर यहाँ पे माइकल वॉन ने सबसे ज्यादा दाव लगाया, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले माइकल वॉन का कहना है कि जो चार टीमें वो है इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया। जी हाँ, ये चार टीमें जो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, ऐसा कहना है माइकल वॉन का। अब इस चार टीमों में आपने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया, माइकल वॉन ने एक बड़ा झटका दिया ऑस्ट्रेलिया को, उनको वो मानते ही नहीं है कि टॉप फोर के कंटेंडर है। हालांकि हम जानते हैं यहाँ पे कि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनके बीच राइवलरी कैसी रहती है, एशेज की वजह से एक इंटेंसिटी बनी रहती है। क्या उस वजह से यहाँ पर एक माइंड गेम खेलते हुए माइकल वॉन ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को टॉप फोर में नहीं रखा, साउथ अफ्रीका टीम जो कि अंडरडॉग है, कहीं ना कहीं अंडरडॉग है, उनसे बेटर न्यूजीलैंड है, उनको भी नहीं रखा यहाँ पे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को रखा है, पाकिस्तान को रखा है, इंडिया को रखा है और इंग्लैंड को। ऑब्वियसली इंग्लैंड को तो वो रखेंगे, ये उन्होंने अपने टॉप चार यहाँ पे जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग वो बताए। और साथ ही साथ यहाँ पर माइकल वॉन ने यह भी कहा है कि जो भी टीम यहाँ पर भारतीय दल को यहाँ पर हराने में कामयाब होगी राउंड रॉबिन स्टेज में, वो वनडे वर्ल्ड कप जीत सकती है। उन्होंने कहा है कि देखिए, भारत में खेलते हुए भारतीय टीम को हराना बेहद ही मुश्किल काम है, ये भारतीय टीम बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका अश्विन का आना, जडेजा का साथ में होना, कुलदीप यादव का जो ये स्पिन ट्रायो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और स्पिनर्स के साथ साथ जो आपके पेसर्स हैं इस वक्त, इसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी आते हैं, लगातार वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज की फॉर्म हम सभी को पता है, के खिलाफ कैसा शानदार प्रदर्शन किया था, 5 विकेट लिए थे, वो फॉर्म भी हमको बताओ। जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह से तो हमेशा ही उम्मीद होती है कि वो अच्छा ही प्रदर्शन यहां पर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि माइकल वॉन का ये कहना है कि टीम इंडिया को अगर कोई हरा देता है वो वनडे वर्ल्ड कप जीत सकता है, ना तो टीम इंडिया यहां पर वर्ल्ड कप जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने यहां पर बाहर रखा है। आप लोगों को क्या लगता है कि यहां पर टॉप चार जो कि सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें यहां पर जगह बनाएंगी, आप यहां पर बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया और किसके बीच होगा, इंडिया मुझे पता, अगर मैं आप लोगों को कहूंगा कि इंडिया को नहीं रखना है तो आपका भी दिल टूट जाएगा, लेकिन इंडिया वर्सेज फाइनल किसके बीच में होगा, आप लोगों को क्या राय, आप लोग भी यहां पर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।